Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am going to discuss with you all a new concept, that is distance education, its meaning, scope and need. Durasth Shiksha, iska arth, vishay kshetra aur avashyakta. And the lecture will be useful for you all, for all of us actually. So let's start. First of all, meaning. डिस्टेंस एजुकेशन का अर्थ क्या है? देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन अब बहुत कॉमन बात हो गई है. पहले जब शुरुआती दौर में ये बहुत अजीब सा, अलग सा, आप कह सकते हैं रिवोल्यूशनरी स्टेप लगा होगा कि जाना भी नहीं है पढ़ने और हम पढ़ सकते हैं ऐसा कुछ, क्योंकि एक्चुअली हम लोग एजुकेशन का मतलब फॉर्मल एजुकेशन से लेते हैं जिसमें हमको एक विषय समयबद्ध तरीके से काम करना होता है. तो दूरस्थ शिक्षा का क्या अर्थ है? दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन इज एजुकेशन, ये उस तरीके की शिक्षा है विच इंक्लूड्स, जिसके अंतर्गत आता है क्या, टीचिंग लर्निंग मेथड्स, शिक्षण अधिगम विधियां इसमें भी आएंगी, बट इन विच लर्नर्स एंड इंस्ट्रक्टर्स आर सेपरेटेड बाई टाइम एंड स्पेस. लेकिन जो सीखने वाला है और जो सिखाने वाला है, जो अनुदेशक है और जो शिक्षार्थी है, अधिगम करता है, वो एक दूसरे से समय और काल, मतलब जगह के संदर्भ में अलग अलग होते हैं. क्या मतलब इसका कि मान लीजिए हमने इग्नू मेन रोल में, ना सबने इग्नू का नाम सुन रखा है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, और बाहर के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इनरोल होते हैं, मतलब जरूरी नहीं भारत से, भारतवर्ष के बाहर के स्टूडेंट्स भी उसमें इनरोल होते हैं. तो स्पेस अलग हो गया और टाइम अलग हो गया, इन द सेंस कि हो सकता है वहां पे आपको जो अपलोडेड मटेरियल मिलता हो, वो जो अपलोड करने वाला है उसने अलग टाइम पे अपलोड किया, आप उसको अलग टाइम पर सुन रहे हैं, है ना. तो इस तरीके की बातें. तो जैसे मैं इस वक्त अपलोड कर रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर अपलोड करूंगी और हर आदमी अपने अपने हिसाब से सुनेगा. तो ये इस तरह से दूरी है. दूरस्थ शिक्षा में दूरी किस संदर्भ में है? दूरी इस संदर्भ में है कि जो सीखने वाला है और जो सिखाने वाला है वो एक दूसरे से दूर है, टाइम के संदर्भ में भी और स्पेस के संदर्भ में भी. वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ दिस एजुकेशन इज दैट इंडिविजुअल्स कैन परस्यू एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स इवन व्हाइल रिजाइडिंग एट अ डिस्टेंस. इसका एक लाभ ये भी हो सकता है कि मान लीजिए हम इग्नू से पढ़ाई करना चाहते हैं बट हम दिल्ली जाकर या वहां जाकर नहीं कर सकते, हम दूर है, हम इग्नू बहुत दूर कहीं रिमोट एरिया में रहते हैं, तो हम दूरी से भी, दूर रह के भी कोई एकेडमिक प्रोग्राम कोर्स परस्यू कर सकते हैं और डिजायर्ड आउटकम हमको मिल सकता है. ये इसका सबसे बड़ा फायदा है. The transaction of the curriculum is effected using specially prepared material. तो curriculum कैसे transact किया जाएगा, पाठ्यक्रम आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इसके लिए बनाना पड़ता है. क्या बनाना पड़ता है? Specially prepared material. वो सामग्री विशेष रूप से विशेषीकृत सामग्री बनाई जाती है जिसको कि SLM या SSMB कहते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल या सेल्फ स्टडी मटेरियल, जिससे आप खुद पढ़ सकें, दैट आर डिलीवर्ड टू द लर्नर्स थ्रू वेरियस मीडिया. और वो जो सीखने वाला है उस तक कैसे पहुंचाया जाएगा, बहुत सारे मीडिया इसमें इन्वॉल्व होंगे, जैसे प्रिंट हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, रेडियो, सैटेलाइट, ऑडियो, वीडियो टेप्स, सीडी रॉम्स हो सकते हैं, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एंड सो ऑन. यानी कि चूंकि आप दूर हैं, ओके, और हमने टीचर आपके पास है नहीं, तो कैसे पढ़ेंगे आप? आपके लिए हमने बना दिया SLM, बना दिया सेल्फ लर्निंग मटेरियल, बना दिया, और वो आप तक हम ट्रांजेक्ट कैसे करेंगे? इसके लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती गई वैसे वैसे हम मीडिया इस्तेमाल करते गए. शुरुआती दौर में प्रिंट, फिर टेलीविजन के थ्रू ब्रॉडकास्ट हुआ, फिर रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हुआ, फिर सैटेलाइट चैनल बने शिक्षा के लिए, ऑडियो वीडियो टेप्स बने, सीडी रोम था, और जब से इंटरनेट आ गया तब से तो आप विद इन द सेकेंड जैसे ही अपलोड किया जाएगा वैसे ही आपको मिल जाएगा. तो इस तरीके की तकनीकी इसमें इस्तेमाल होती है. Hence, it can be stated that the use of technology has rendered a significant contribution in facilitating distance education. इसलिए हम कह सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा को facilitate करने में technology ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तकनीकी ने. और जैसे जैसे तकनीकी evolve होती गई वैसे वैसे distance education भी बेहतर होता गया. Communication between individual institutions, instructors and learners is through electronic media. That is telephone हो सकता है, interactive radio counseling हो सकती है, teleconferencing, video conferencing, chat sessions, emails, websites and so forth. कैसे आप तक हम बताएंगे कि आपको कब अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, आपके एग्जामिनेशंस रिमोट मोड में कब होंगे, उसके लिए टेलीफोनिक सर्विसेज रही, फिर इंटरएक्टिव रेडियो आया, फिर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होने लगी, दूर बैठे बात हो सकती है, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूर भी बैठे हैं पर एक दूसरे को देख सुन भी सकते हैं, चैट सेशंस चलते हैं अब तो, ईमेल तो है ही, वेबसाइट्स होती हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस की एंड सो फोर्थ, और इसी की तरह आगे.
So distance education is an outcome of certain socio-historical compulsions and technological growth. तो हम क्या कह सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा किसका परिणाम है, किसका आउटकम है, जो सामाजिक ऐतिहासिक हम पे कंपल्शन से, अभी देखेंगे क्या है ये सामाजिक ऐतिहासिक कंपल्शन, और जैसे जैसे तकनीकी ने अपना अपनी ग्रोथ की, अपनी वृद्धि की, वैसे वैसे डिस्टेंस एजुकेशन इवॉल्व होता गया। तो अगर डेफिनेशन देखें तो बहुत सारी है, पर ये जो कीगन की डेफिनेशन है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, इसने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, तो आप इसी को समझ ले तो हम डिस्टेंस एजुकेशन को समझ जाएंगे। इट ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन दैट इनकंपासेस ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स, इसने इसके अंतर्गत इसके सभी आवश्यक तत्व आते हैं। ही डिफाइंस डिस्टेंस एजुकेशन एज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि कीगन ने कहा कि दूरस्थ शिक्षा एक इस प्रकार की शिक्षा है जिसमें ये विशेष गुण होते हैं। कौन कौन से गुण? पहला है कि द क्वेसी परमानेंट सेपरेशन ऑफ टीचर एंड लर्नर, देखिए परमानेंट सेपरेशन ही है, क्वेसी लगा दिया तो अर्ध समझ सकते हैं कि परमानेंटली सेपरेट नहीं है टीचर और लर्नर, लेकिन आधे रूप से, आंशिक रूप से सेपरेटेड है। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, जब तक आपका कोर्स चलेगा, अधिगम प्रक्रिया चलेगी, तब तक जो लर्नर है और जो टीचर है वो एक दूसरे से आंशिक या अर्ध रूप से सेपरेटेड होगा। डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम कन्वेंशनल फेस टू फेस एजुकेशन, और यही इसको विभेदीकृत करता है, विशिष्ट बनाता है वो एजुकेशन जो हम कॉलेज में, स्कूल में फेस टू फेस मोड में पढ़ते हैं उससे। फिर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोथ इन द प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल्स एंड इन द प्रोविजन ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम प्राइवेट स्टडी एंड टीच योरसेल्फ प्रोग्राम्स। ये कह रहा है कि फिर हम कह दें कि ये प्राइवेट स्टडी है या टीच योरसेल्फ प्रोग्राम है, तो कह रहे हैं नहीं, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो इसको विशेष बनाता है प्राइवेट स्टडी से। मतलब कि टीचर और लर्नर दूर है, ये इसको विशेष बनाता है, विभेद करता है इसका पारंपरिक शिक्षण पद्धति से। फिर ये जो हम आपको स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि विद्यार्थी की सहायता के लिए जो सर्विसेज दी जाती हैं सेल्फ लर्निंग मटेरियल के रूप में, प्लानिंग के रूप में, बहुत सारी इस तरीके से, वो इसको प्राइवेट ट्यूटर से अलग करता है, प्राइवेट ट्यूटरिंग से या टीच योर सेल्फ प्रोग्राम से। फिर द यूज ऑफ टेक्निकल मीडिया, प्रिंट, ऑडियो, वीडियो और कंप्यूटर टू यूनाइट टीचर एंड लर्नर एंड कैरी द कंटेंट ऑफ द कोर्स, द प्रोविजन ऑफ टू वे कम्युनिकेशन so that the student may benefit from or even initiate dialogue, this distinguishes it from uses of technology in education. फिर ये कह रहे हैं कि फिर ये शिक्षा में तकनीकी क्यों नहीं है, तो कह रहे हैं कि चूंकि इसमें जो हमने ये तकनीकी का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये तकनीकी शिक्षा से किस प्रकार, शिक्षा में तकनीकी से किस प्रकार भिन्न है कि इसमें लर्नर जो है वो डायलॉग इनिशिएट भी कर सकता है। मान लीजिए कोई चैट सेशन है, जरूरी नहीं है कि हमेशा टीचर उस पर मैसेज करे, बच्चा पूछ सकता है कि ये क्या है, कैसे है, कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन है, तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन से ये इस प्रकार भिन्न है। मतलब इसके विशेषीकृत बता रहे हैं कि ये पारंपरिक शिक्षण से भिन्न है, ये प्राइवेट शिक्षा से भिन्न है, प्राइवेट ट्यूटरिंग से भिन्न है, ये शिक्षा में तकनीकी से भिन्न है। और द क्वेसी परमानेंट एब्सेंस ऑफ द लर्निंग ग्रुप थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लर्निंग प्रोसेस सो दैट पीपल आर यूजुअली टॉट एज इंडिविजुअल्स and not in groups with the possibility of occasional meetings for both didactic and socialization purposes। ये कह रहे हैं कि चूंकि हर बच्चा अपने हिसाब से सीख रहा है, जो पीयर ग्रुप है वो आपस में मिलता जुलता नहीं है, तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि ये इंडिविजुअल स्टडी है, ग्रुप स्टडी नहीं है। लेकिन कभी कभी ओकेजनली, कभी कभी सेमेस्टर में एक दो बार हम इस तरीके की जो ये सेंटर्स हैं वो मीटिंग्स कॉल करते हैं, जिसमें आपस में वो जो सत्र है, जो बच्चे हैं जो एक ही सत्र में इनरोल हैं, वो एक दूसरे से मिल सके और उनका सोशलाइजेशन, सामाजिकरण हो सके। तो ये खास बातें हैं, कोई भी बात कीगन ने छोड़ी नहीं है, इसलिए ये डेफिनेशन पर्याप्त है। स्कोप, नहीं इधर पहले था, स्कोप इधर पहले आ गया, कोई बात नहीं। विषय क्षेत्र क्या है इसका, किससे, मतलब क्या इसका लेना देना किससे है? तो विद द एडवांसमेंट्स इन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम एज ए होल, देयर हैज बीन एन एनहांसमेंट इन एक्सेसिबिलिटी, इक्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। अब ये बात की जा रही है कि सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, समतामूलक शिक्षा हो और समानतापूर्ण शिक्षा हो, सब तक शिक्षा हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। तो ये कैसे हो सकता है? जब डिस्टेंस एजुकेशन में इवॉल्व हुआ, जब कम्युनिकेशन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, तो डिस्टेंस एजुकेशन एट प्रेजेंट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो जो दूरस्थ शिक्षा है उसके अंतर्गत ये कैपेबिलिटी है, ये शक्ति है, ये कि वो उसका स्कोप कहाँ तक है, उन सभी लोगों तक जिनके जो जिन मतलब जिनको क्या जरूरत है, हु डू नॉट हैव एक्सेस टू कन्वेंशनल एजुकेशन। इसका स्कोप किसके लिए है कि जो पारंपरिक शिक्षण पद्धति से नहीं पढ़ सकता है, कोई भी दिक्कत है किसी भी तरीके की, उसके लिए
हु आर डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज, जिनके पास प्रॉपर शैक्षिक सुविधाएं नहीं है, कोई रिमोट एरिया है, कोई ट्राइबल एरिया है, बहुत दूर है उनके घर से स्कूल कॉलेजेस, उनके लिए हु कुड नॉट कंटिन्यू देयर एजुकेशन इन कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशंस, वो स्टूडेंट्स, वो पार्टिसिपेंट्स, वो इंडिविजुअल्स जो पारंपरिक संस्थानों में अपनी शिक्षा को कंटिन्यू नहीं कर सकते, कोई भी दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई बीमारी हो गई है, कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं, फैमिली वे में है, कोई इंस्टीट्यूशन में, कोई घर में इस तरीके की बात हो गई, उसको नौकरी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ रही है, उन सभी के लिए हु आर अनएम्प्लॉयड एंड वॉन्ट टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन फ्रॉम देयर होम इटसेल्फ, जो अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन उसके बाद भी वो चाहते हैं कि घर से ही हम पढ़ लिख लें, हमको आना जाना नहीं पड़े. कई बार आने जान भाई कई बार मैंने ये महसूस किया है कि स्टूडेंट्स इसलिए भी नहीं आते हैं स्कूल कॉलेजेस कि उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो रोज रोज आने जाने का किराया दे सकें. फिर उनके लिए भी है हु आर एम्प्लॉयड एंड वॉन्ट टू इम्प्रूव देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और उन लोगों के लिए जो कहीं इन्वॉल्व हैं, कोई नौकरी करते हैं लेकिन कोई अपनी शैक्षिक गुणवत्ता क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए नहीं, नौकरी छोड़ के तो वो कन्वेंशनल एजुकेशन के लिए तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो ये तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है. और हु वॉन्ट्स टू परस्यू जनरल वोकेशनल प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन आउटसाइड द कन्वेंशनल सिस्टम, और कई लोग हैं जिनको ये फ्लेक्सीबिलिटी चाहिए, जो फिक्स्ड मोड में नहीं पढ़ सकते कि नहीं हम इसी समय एग्जाम नहीं देंगे, हम थोड़ा हमको फ्लेक्सिबल चाहिए मोड, तो उनके लिए. तो इन सभी प्रकार के लोगों के लिए दूरस्थ शिक्षा एक बहुत अच्छा और एकमात्र विकल्प है, यू कैन से. तो इनका इसका स्कोप यहाँ तक है. फिर नीट, आवश्यकता क्या है इसकी, क्या आवश्यकता पड़ी. एज अ वेलफेयर स्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 इयर्स एज पर आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये सबको पता है, अब इस पर बात हो चुकी है कि हम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर्तव्यबद्ध है, भारत सरकार की 14 वर्ष तक के सभी बच्चे को फ्री और कंपलसरी और क्वालिटी एजुकेशन देगी. तो उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए, जैसे यूईई चलाया गया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ईएफए चला, एजुकेशन फॉर ऑल, ये सब लॉन्च हुए. हाउएवर द सिचुएशन इज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी, बट अभी भी हम संतोषजनक स्थिति से बहुत दूर हैं. इन द हायर एजुकेशन सेक्टर द सिचुएशन इज नो डिफरेंट, और यही हाल उच्च शिक्षा का भी है, यहाँ पर भी यही स्थिति है कि संतोषजनक नहीं है. क्या हो रहा है, देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर हायर एजुकेशन ओवर द इयर्स. अगर आप डेटा उठाकर देखें तो आप ये पाएंगे कि बीते हुए वर्षों में बहुत मांग बढ़ी है उच्च शिक्षा में इनरोल होने वाले स्टूडेंट्स की. मोर एंड मोर पीपल आर नॉट एबल टू हैव एक्सेस टू हायर एजुकेशन ड्यू टू वेरियस रीजंस, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उच्च शिक्षा में मतलब इनरोल नहीं हो पाते, पहुंच नहीं है उन तक, तो वो क्या करें. द रैशनल या नीड फॉर डिस्टेंस एजुकेशन अंडर थ्री स्पेसिफिक एरियाज, तो हम कह सकते हैं कि जो रैशनल है, जो उसके पीछे तर्क बनता है दूरस्थ शिक्षा के लिए, जो उसकी आवश्यकता है, उसके पीछे तीन विशेष कारण हो सकते हैं. कौन कौन से. पहला, द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग नंबर्स एंड लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है और इंस्टीट्यूशन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं, और तो पहुंच जो है वो सीमित हो गई है, तो पहुंच बढ़ाने के लिए. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, जो कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन है, वो अभी भी उतनी बढ़िया क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो क्वालिटी के लिए. और रेलेवेंस, जो करिकुलम है वो अप टू डेट नहीं है, जो शिक्षा दी जा रही है वो रेलेवेंट नहीं है, तो इसके लिए. तो ये तीन चीजें, मतलब एक्सेस टू एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड रेलेवेंस ऑफ एजुकेशन के लिए दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता है. अब एक एक करके देख लेते हैं, एक्सेस, क्वालिटी और रेलेवेंस. एक्सेस में अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन एश फॉर 2020-2021, यानी कि बहुत पुराना डेटा नहीं है ये, द स्टूडेंट एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन स्केल्ड from 0.7% in 1950 to 51 to 72.56% at the UG level, 15.7% at the graduate level and 27.1% at the doctorate level. यानी कि आप पाएंगे कि कितना tremendous expansion हुआ है. The system has expanded around 17 times in terms of universities, 31 times in terms of colleges and 15 times in terms of gross enrollment since independence. थोड़ा पुराना डेटा हो सकता है, ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम है, मतलब पूरा जो एजुकेशनल सिस्टम है, वो अगर हम देखें तो 17 गुना यूनिवर्सिटीज बढ़ गई, 31 गुना कॉलेजेस बढ़ गए, और जो GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि कितना बच्चा एनरोल होता है हायर एजुकेशन में, वो भी 15 गुना बढ़ गया. दो, इंडिया हैज विटनेस सब्सटेंशियल ग्रोथ. तो हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी हमने प्रगति की है, वृद्धि की है, बट स्टिल हमारा GER जो है, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, वो 27.3% ही है, और ये विश्व के विकसित और कुछ विकासशील देशों के एवरेज परसेंटेज से भी कम है. और क्या दिक्कत है, बहुत कोशिशों के बाद भी हम शिक्षा में 6%, कब से कहा जा रहा है, कोठारी कमीशन से कहा जा रहा है कि 6% आप GDP का शिक्षा को दीजिए, बट अभी भी हम 3.8% ही दे पाए हैं. और हायर एजुकेशन पे सबका अधिकार है, तो क्या किया जाए, मतलब डिमांड ज्यादा है,
इंस्टीट्यूशंस कम कम हैं, बहुत 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 प्रयासों के बाद भी GER बढ़ नहीं रहा है, पैसा बहुत लगा नहीं पा रहे हैं उच्च शिक्षा में, तो क्या करें? तो इसका मतलब कि हमको कोई और विधि शिक्षा देने की सोचनी होगी. तो डिस्पाइट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड फैसिलिटीज, ओनली 27.3% ऑफ द GER फॉर हायर एजुकेशन. बहुत हमने कोशिश की तब भी GER 27% ही पहुंचा. बजट फॉर हायर एजुकेशन इज नॉट सफिशियंट. जो बजट है हायर एजुकेशन का वो सफिशियंट नहीं है. क्यों? क्योंकि ये जो 3.8% है उसका भी मेजर परसेंटेज एलिमेंट्री एजुकेशन को जाता है. क्यों? क्योंकि सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि उसको 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देनी है. तो हायर एजुकेशन के परसेंटेज कम बचता है. और विद इंक्रीज इन एम्फेसिस ऑन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, अब हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन बढ़ाते जा रहे हैं. तो हायर एजुकेशन की तरफ डिमांड ज्यादा आ रही है ना, कि भाई जिसने सेकेंडरी एजुकेशन कर ली वो हायर एजुकेशन में आना चाहता है. तो ये जो सर्किल बन रहा है वो ये सिचुएशन उत्पन्न कर रहा है कि हमको किसी और मोड से पढ़ना पढ़ाना होगा. बिकॉज विद डिप्लीटिंग रिसोर्सेज इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टार्ट मोर कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशंस. तो ये तो बहुत पैसे वाला काम है, समय का काम है कि हम इंस्टीट्यूशन बनाएं, 2-4 साल में बनेगा, फिर हम उसमें रिक्रूटमेंट करें, फिर टीचर्स लगाएं, फिर उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, बिल्डिंग इक्विपमेंट सब लगाएं. तो ये तो दिक्कत की बात है. और गवर्नमेंट ये भी नहीं कह सकती कि भैया हायर एजुकेशन जो लेना चाहता है हम उसको देंगे नहीं. तो क्या करें? आंसर लाइज इन डिस्टेंस एजुकेशन. तो जो ये दूरस्थ शिक्षा के जो कार्यक्रम है, जो संस्थान है, यही हमारे लिए एकमात्र विकल्प बचते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कम पैसे में हो जाएगा यहाँ काम, इनके पास पोटेंशियल भी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि ये सबको सब तक सब और गुणवत्तापूर्ण संख्या में, गुणवत्तापूर्ण तरीके से और बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं एजुकेशन. कौन कौन हो सकता है इनका स्टूडेंट? रूरल, ट्राइबल एंड अर्बन एरियाज के बच्चे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स जिनके पास कॉलेजेस नहीं अटेंड कर सकते, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, और कोई डिसएडवांटेज ग्रुप विमेन, और कोई डिसएडवांटेज ग्रुप जिसको अनुमत पैसा तो है लेकिन अनुमति ही नहीं है कि आप जाइए पढ़िए, या सोशल ज्योग्राफिकल और फिजिकल कंडीशन उसकी ऐसी नहीं है कि वो रेगुलर कॉलेज अटेंड कर पाए, और वर्किंग इंडिविजुअल्स जो नहीं चाहते हैं कि अपना समय और नौकरी बर्बाद करके पढ़ें और अपनी स्किल और क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए दूरस्थ शिक्षा एकमात्र विकल्प है. क्वालिटी, जब हायर एजुकेशन की क्वालिटी की बात की जाती है तो होना क्या चाहिए? एक्सेप्शनली हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए. सब नॉर्मल स्टैंडर्ड पे, सब स्टैंडर्ड पे हायर एजुकेशन नहीं चल सकती. कंसिस्टेंट, जीरो डिफेक्ट, कोई भी उसमें खामी ना हो. फिटनेस फॉर पर्पज, सबसे खास बात, जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम हमारा पूरा होना चाहिए. वैल्यू फॉर मनी, जितना पैसा हम लगा रहे हैं हायर एजुकेशन में उतना हमको रिटर्न मिले. और ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव इन द सेंस ऑफ लर्नर, यानी कि जो लर्नर उसमें इनरोल है जब हायर एजुकेशन प्राप्त करके निकले तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका हो, बट सॉरी कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम ऐसा कर पाने में असमर्थ रहे हैं. इसलिए भी डिस्टेंस एजुकेशन की मांग बढ़ रही है, इसलिए भी डिस्टेंस एजुकेशन की आवश्यकता है. और रेलेवेंस, सार्थकता कितनी है? जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है उसकी अक्सर उसके पीछे उसके उसकी आलोचना की जाती है. किस लिए? कि वो जो कोर्सेज ऑफर्ड कर रहे हैं वो एग्जिस्टिंग सोशल नीड के हिसाब से नहीं है. देखिए, बहुत नए नए और बढ़िया कोर्सेज आपको डिस्टेंस एजुकेशन मोड में मिल जाएंगे. फिर जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है, हाईएस्ट पे टीचर्स आर रीचिंग फ्यूअर एंड फ्यूअर एलिटिस्ट स्टूडेंट्स. हमारे यहाँ कितने उच्च स्तरीय संस्थान है गिनती के, उसमें कितने शिक्षक हैं उनको भी हम गिन सकते हैं. तो उन तक पहुंच किसकी है? जो एकदम इलिटिस्ट और एकदम ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है वही तो पढ़ रहा है उनसे. तो हम अगर उनका बनाया हुआ सेल्फ लर्निंग मटेरियल डिस्टेंस एजुकेशन में चला सकें तो बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं. सॉरी, है ना. फिर द एज ओल्ड क्लासरूम टीचिंग मेथड इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्टेल एंड इनइफेक्टिव. तो पुराना सदियों से जो क्लासरूम टीचिंग लर्निंग चला रहा है वो अब इनइफेक्टिव हो गया है आज के जमाने में. और जो रिजिडिटी है कोर्स ड्यूरेशन की, अभी एडमिशन लेना है, अभी एग्जामिनेशन देना है, छूट गया तो आपका साल बर्बाद, इस तरीके की. अब खैर मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की बातें हो रही हैं, बट उसको ऑन मतलब एक्चुअली होने में समय लगेगा. अटेंडेंस, आज नहीं आए क्यों नहीं आए, तो ये सारे बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है. जो कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता है वो डिस्टेंस एजुकेशन में आ जाए. और बेनिफिट्स ऑफ हायर एंड बेटर एजुकेशन कंटिन्यू टू बी एंजॉयड बाय ए प्रिविलेज्ड फ्यू. ये वही बात हो गई ऊपर वाली. तो
कुल मिला के ये दूरस्थ शिक्षा का हाल है कि उसकी रेलेवेंस भी है, वो अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, वो सब तक एक्सेस भी उसकी हो सकती है, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आपका समय एनर्जी भी बचनी है, तो आप डिस्टेंस मोड से पढ़ाई कर सकते हैं। बट आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जनरल एजुकेशन कोर्स में, मतलब कन्वेंशनल सिस्टम में इनरोल होते हैं और डिस्टेंस एजुकेशन मोड से पढ़ाई करना चाहते हैं। मतलब वो आएंगे नहीं कॉलेज, वो असाइनमेंट नहीं सबमिट करेंगे, वो एग्जामिनेशन में भी एबसेंट रहेंगे, तो ऐसा मत करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए डिस्टेंस एजुकेशन मोड ज्यादा बढ़िया, आप डिस्टेंस एजुकेशन मोड से पढ़ लीजिए, और जो कन्वेंशनल सिस्टम में है वो कन्वेंशनल सिस्टम के नियम कानून उसको मानने होंगे। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट दी डिस्टेंस एजुकेशन, और अभी एक दो वीडियो और होंगे तब डिस्टेंस एजुकेशन का कोर्स कवर होगा। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड दिस वेरी टॉपिक। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माई साइड।